हेलो भाई लोग, कैसे हो? सब लोग मस्त हो? तो यार आओ, आज हम निकलते हैं जम्मू की आउट लाइन पे। जो जम्मू की सिटी की आउट लाइन है ना, यानी कि जो सिदड़ा बाईपास है उसकी बात कर रहे हैं। आज हम उधर जाएंगे भागने के लिए नहीं, जैसे बाकी सब लोग भागते हैं, भगाते भी हैं। ना मैं भागूंगा ना मैं भगाऊंगा, बस वहाँ की जो खूबसूरती है ना, उस खूबसूरती का मजा लूँ। तो दोस्तों, हम पहुंच गए हैं सिदड़ा हाईवे पे। आज के दिन की सबसे खूबसूरत और एग्रेसिव चीज़ जो मुझे दिखने वाली है वो है इंडियन आर्मी का ट्रक। और इसको देख के ना हर कोई जय हिंद तो बोलता ही होगा। जब रोड खाली मिले ना और आप हो भी बने लेके ऊपर, आराम से चलने का मज़ा नहीं आता है, भगाने को मन करता है। लेकिन यही मन बदल जाता है जब आप ऐसी हरियाली को देखते हो ना यार, तो मन एकदम से बदल जाता है, मन शांत हो जाता है। यार जो मेरे ये राइट साइड है ना, ये जो बिल्डिंग है, यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा एक कैफेटेरिया हुआ करता था। हम अक्सर यहाँ पे इवनिंग टाइम में यहाँ पे आया करते थे, तो अब ये बंद करवा दिया है। पता नहीं किस वजह से, निकले हज़ारों दफ़ा लेकिन आज पहली बार देखा यार, अच्छे से मैंने आज पहली बार देखा है इसको। आज तक नहीं देखा था ये, उम्मीद नहीं थी कि ये भी इतना खूबसूरत है। बस भगाते ही गए, भागते ही रहे, देखा कुछ भी नहीं। अब जाते जाते बाइक धुलवा लेंगे। यार धुलवाने से याद आया, किसी ने मुझे बोला था कि आप फोम वॉश नहीं करवाते हो। तो भाई जो फोम वॉश करता है ना यार, उसके पास पैसा होता है, वो इकोनॉमिकली वीक नहीं है। लेकिन जो फोम वॉश नहीं कर पा रहा ना, इसका मतलब है कि इकोनॉमिकली बहुत वीक है। तो जो इकोनॉमिकली वीक है ना यार, कोशिश करो उनको काम दो ताकि वो भी डेवलप हो जाए। एनी वे, हम एनवायरमेंटल पार्क को क्रॉस करते हुए